चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। और जो अपनी नई गाड़ी है ना भाई, उसका तगड़ा सा एक फीचर बताऊं। और मेरी डिग्री तो यही रह गई। तो ऑस्ट्रेलिया में डॉग्स का क्या होता है, इनके ना यहाँ पे गुद्दी के पास पीछे माइक्रोचिप लगी होती है। चलना न्यू कार लेने, चले न्यू कार लेने। एक दिक्कत होगी, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। चलो भाई, फाइनली इट्स टाइम टू गो। हेलो गाइस, बाल दे किसके, बाल किसके। हाँ, आप लोगों को ये बताते हैं कि गाड़ी कितने की बिक्री है। तो भाई फाइनल रेव्स गाड़ी के करते हैं हम लोग गुड बाय करने से पहले। मैं ऊपर देख रहा था कोई है तो नहीं, क्योंकि कोई ऐसे हो, मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ बाहर, है ना, इसमें लॉबी एरिया में तो अच्छा ही लगता। आज है भाई थोड़ा सा सैड डे। सैड डे क्यों है, क्योंकि हमारी गाड़ी जा रही है i30N परफॉर्मेंस 2020। और ये गाड़ी भाई सबसे ज़्यादा प्यारी थी मेरे को, प्यारी है मेरे को अभी भी, ठीक है, क्योंकि मेरे को बेचने का 1% मन नहीं है। बट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भाई गाड़ी बेचनी पड़ेगी। एंड क्या सिचुएशन है वो सब मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। बोरी मैं दो ले आया खाली बनिया, जितना भी सामान होगा जितना भी कूड़ा होगा सारा फेंकना है, साफ रखनी है गाड़ी। ब्रेजर नंबर प्लेट थी विच इज नो मोर, मतलब गाड़ी के अंदर पड़ी है वो। गाड़ी बाहर से तो पूरी धुली हुई है, साफ सुथरी है, बस अंदर से साफ करनी है। इसको यहाँ रख देते हैं एक को, और इसमें कूड़ा इकट्ठा करते हैं। मतलब भाई अंदर से देखो, ये पूरा नीचे मैट वगैरह गंदा है, मेरी चप्पल भी फाड़ दी गेंदो ने, पूरा मैट गंदा है, ये छुटपुट सामान पड़ा हुआ है। पीछे से तो साफ ही है, ये मॉर्निंग कॉफी का ग्लास ये यहाँ रखा हुआ था, मैंने साइड में रख दिया। और गाड़ी चल चुकी है भाई 65,000 किलोमीटर। तो मैंने गाड़ी खरीदी थी भाई 2 साल पहले, मई में 2021 या 22 में ली थी, ऐसे मैं भूल गया, ये ऊपर से भी गंदी हो रखी है देखो। तो खैर वो साफ कर देंगे। हाँ, तब मैंने ली थी गाड़ी, और बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके, बहुत बड़ा दिल रख के ये गाड़ी कितने ही खरीदी थी, कितने की मैं बेच रहा हूँ, ये सारा मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। पहले हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मजबूरी कि गाड़ी क्यों जानी पड़ रही है, क्योंकि भाई गाड़ी चल चुकी है 65,000 किलोमीटर्स। मैंने ली थी, जब गाड़ी चली थी 6,000-6,500, मतलब ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही थी। किसी कपल से हम लोगों ने ली थी, ठीक है, नारी वॉरन गए थे, थोड़ा सा दूर है यहाँ पे, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता होगा, नारी वॉरन हम लोग गए थे, वहाँ से गाड़ी उठा के लाए थे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑनेस्टली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई भाई, मेरे को नहीं पता ह्यूंडई का नाम इतना ज़्यादा ख़राब क्यों रखा है आजकल। ऑस्ट्रेलियन लोग भी इतना ज़्यादा सोचते हैं 10 बारी लेने से पहले कि ह्यूंडई है, इन दी एंड इट्स ह्यूंडई, इतना ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करने हैं इस गाड़ी पे। बट भाई वेरी रिलायबल, मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई भाई, ठीक है। तो मेरे को ये था कि गाड़ी निकाल देते हैं, 65,000 चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई गाड़ी लाख के अराउंड है ना, तो उसकी वैल्यू वैसे ही, हम लोग खुद ही सोचते हैं यार लाख चलने वाली है इसलिए बेच रहा होगा, इसकी मेजर सर्विस आ रही होगी, ऐसा कुछ होगा। मेरी सारी मेजर सर्विस भाई डन है, ठीक है, इससे पहले वाली जो सर्विस थी वो जो लास्ट सर्विस हुई थी मेजर ही थी, $650 की। तो सारा कुछ गाड़ी में अप टू डेट है, नई बैटरी है, नए टायर है, फिर भी 2,000 भाई बेच रहे हो, हाँ, क्योंकि लाख आ रही है। और गाड़ी मैंने जितने की ली थी और जितने की बिक्री है ना, उससे आप लोगों को पता हो जाएगा कि 2,000 भाई आपने सही डिसीजन लिया गाड़ी को बेच के, क्योंकि मैं जितना टाइम इस गाड़ी को रखूंगा मेरा ही लॉस होएगा इन दी एंड। तो बेचने का तो मूड भाई 1% का नहीं है, बट बेचनी पड़ेगी। ये देखो गाड़ी में ये भी हो रखा था, शायद ये PPF था, पता नहीं क्या है, बट ये और इसके अंदर कुछ चीज भी डली हुई थी, मेरे को नहीं पता क्या है, जो फर्स्ट बंदे ने खरीदी थी वो डलवाई थी, पता नहीं। वारंटी सर्टिफिकेट तो है ऑटो एक्सट्रीम को, इसने बढ़ा रखी थी कि पावर वगैरह नहीं, ये ऑटो लिंक था भाई गाड़ी के अंदर, शायद से ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल नहीं है। ऑटो लिंक क्या करता है आप लोगों को, यहाँ पर कुछ लग जाता है इसके अंदर, ये होता है ना, इसको बाहर निकाल के इसके अंदर यहाँ पे कुछ लगता है, तो उससे क्या होता है कि वापस लग जा भाई, इससे क्या होता है कि गाड़ी रिमोट से ऑन हो जाती है, शायद ऑटो लिंक ऐसा कुछ सिस्टम है या पता नहीं कुछ था, ऐसा था मतलब, माइट बी रॉन्ग। तो वो कह रहा था कि ये मेरे को लगवाना है या लगा लिया है मेरे को, तब इतना ज़्यादा एक्सीडेंट भी जल्दी जल्दी समझ नहीं आता था, बहुत तेज बोल रहा था भाई, मैंने हाँ हाँ हूँ कर दिया, बट बाद में मैंने रिलाइज किया कि इसमें लगा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कागज़ वगैरह मैं इसी में रख देता हूँ। और जो अपनी नई गाड़ी है ना भाई, उसका तगड़ा सा एक फीचर बताऊँ, वो गाड़ी पार्किंग में से अपने आप बाहर आती है, यस, रिमोट से, कोई नहीं बैठा होगा ना गाड़ी में, प्रॉपर दिखाऊंगा, बट जब आप लोग उस 2-3 बटन को कोलैप करके दबाते हो ना, तो गाड़ी अपने आप बाहर आती है पार्किंग वाले एरिया से। अगर आप लोग चैनल में नए हो, नीचे लाल के सब्सक्राइब बटन है, जाके आप लोग दबा सकते हो। हमारी आने वाली नई गाड़ी, बहुत ज़्यादा हो रही है एक्साइटमेंट, पर उससे ज़्यादा हो रही है सैडनेस। ऐसा होता है ना, नई गाड़ी आ रही होती है, नींद ही नहीं आती,
मैं तो भाई खूब सोया हूँ, मेरे को तो इसके लिए जाने का दुख ज्यादा है। अभी तो उसके अंदर से इतना सारा सामान निकल गया, ये सारा इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑल ओवर गाड़ी का ही है। ये देखो वायर कितनी सारी निकली। मैं घर में यूएसबी ढूंढता रहता हूँ चार्जर की, वानी अपना चार्जर दे दे, नोनू अपना दे दे। अरे गाड़ी में इतनी सारी पड़ी आज तक देखी नहीं भाई, कैसे से रहते हैं भाई हम लोग। और ये देखो गाड़ी में निकले सिक्के, ये है 20 सेंट का, अभी शायद 56 रेट चल रहा है तो उसके हिसाब से देख सकते हो। ये भी 20 सेंट का है, ये भी 20 सेंट का है, और ये $2 का है नीचे वाला, ये $2 का है। मेरे हाथ कैसे ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई बाहर, अभी 1 बजा है करीबन, 8 हो रहा है टेम्परेचर, बहुत ठंडा है। और $2 का आप लोग देख सकते हो, करीबन 100-120 रुपए का सिक्का है। पीछे देखते हैं भाई क्या है, पीछे तो जूते पड़े हुए हैं अपने, सूट पड़ा हुआ है जो कल हमारी कॉन्वोकेशन थी ना, वानी का सामान पड़ा, कितना सारा सामान पड़ा भाई पीछे तो। और मेरी डिग्री तो यहीं रह गई, तो भूल ही गया इसको लेना। ये है भाई केंजो का वो हेल्थ केयर कार्ड, ऐसे पासपोर्ट जैसा लगता है, बट इसके अंदर सारी वैक्सीनेशंस वगैरह लिखी होती है, जब शायद 18 हफ्ते का था तब किया ये। कितना क्यूट है भाई। तो ये देखो जब हम लोग उससे लेकर आते हैं ब्रीडर से, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। ऑफकोर्स आई कांट शो यू, बट ये माइक्रोचिप सर्टिफिकेट। तो ऑस्ट्रेलिया में डॉग्स का क्या होता है, इनके ना यहाँ पे गुद्दी के पास पीछे माइक्रोचिप लगी होती है, मतलब जब बचपन में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो डाल देते हैं, उसके अंदर उसका कोड होता है। तो जब भी किसी भी वेट के पास जाते हैं ना, या फिर मान लो कोई डॉग गुम हो गया, ठीक है, तो वेट क्या करेगा, सबसे पहले उसके पास छोटी सी मशीन होती है, वो यहाँ पे मारते हैं गर्दन पे, ताकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि कितना ओल्ड है, क्या इसका एड्रेस है डॉग का। तो वो सेफ्टी के हिसाब से भी एक तरीके से, और इनकी वैक्सीनेशंस गवर्नमेंट को सारी नोट होती है कि ये कुत्ता वैक्सीनेटेड है, ये यहाँ रहता है, अगर घर चेंज होता है तो हमको इनके उसको भी नोटिफाई करना होता है कि हम लोगों ने एड्रेस चेंज किया है। तो डॉग का ऐसा सीन रहता है, कल को कोई कुत्ता गुम हो जाएगा इस सड़क पे घूमते हुए भागता फिरता, तो उसको वहाँ ले जाते हैं, वो चेक करते हैं किसका है, फिर आके डांटते हैं कि आपने ऐसे कुत्ते को ऐसे छोड़ दिया। डांटते तो नहीं है भाई, पर हाँ एक तरीके से सही चीज़ भी है कि माइक्रोचिप लगी हुई है। अब वो पता नहीं भाई उनकी बॉडी के लिए कितनी हेल्दी है, बट भाई यहाँ पे मैंने 17-17 साल के कुत्ते देखे हैं, 18-18 साल के डॉग्स पार्क में वॉक करने के लिए आते हैं, हेल्दी होते हैं भाई सारे। आई डोंट थिंक सो कि हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती होगी। ऑलमोस्ट गाड़ी खाली हो चुकी है, और वो सारा रखना सामान भाई, बाकी पीछे से तो कर रहा हूँ, चलो सॉरी, ये करके ही मिलता हूँ आप। ये देखो भाई यहाँ पे मेंटोस का ये गाड़ी वाला भी आता है, पता नहीं इंडिया में आना शुरू हुआ है कि नहीं, बट मैंने तो नहीं देखा था जब तक मैं था, आ गया होगा, बेकार है, मतलब थोड़े एक दो दिन का ही है ये हवाबाजी, इसकी खुशबू फिर खराब हो जाता है सारा भाई। गाड़ी के अंदर दो तरीके का सामान है, एक ये इम्पोर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये दोनों रख लेते हैं चलो। अरे देखो सुबह सुबह मस्त, ये हमारी फोटोज लगी हुई है यहाँ पे, फ्रिज मैग्नेट्स, तो दोनों ने भाई ये कल बनाया था टर्किश ब्रेड में चिकन मिंस की, वो बना के मस्त दिखाता हूँ, एक हाथ से खोलना भी मुश्किल है भाई। भाई हम रेडी हो गए, केंजो भी रेडी हो गया है, केंजो नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, पर वो वाली दे देंगे, तो केंजो उदास भी होना है, ठीक है, दोनों इमोशन इधर देखना, कहाँ मम्मी को देख रहा केंजो, वाला मैंने थोड़ी लगाया भाई, आई डोंट यूज योर ब्लश और फ्लश, आई यूज फ्लश, इसके ऊपर भाई मैं वो पहनूंगा पफर वाली जैकेट, दिखाता हूँ आपको, रुको, ये रही, ये रखी है यहाँ पे, और ये पजामा पहन लिया अपन ने जो नया लाए थे नाइकी से, देख लेना अभी वो तो पूरा ही फुल देखेगा, रेडी हो गया, गाड़ी साफ हो गई है, और गाड़ी देनी है और नई वाली पिक करनी है, तो हाँ एक्साइटमेंट हो रही है। केंजो अभी बानी रेडी हो रही है, केंजो एक्साइटमेंट हो रही है, ओ नया स्वेटर पहना भाई ने, एक्साइटमेंट हो रही है, कुछ जवाब तो। केंजो तू मेरे कान की तरफ कहीं पे भी ताड़ सकता है, पर मुंह ऐसे किस्मत कर दिया अगर, समझ आई है केंजो, चलना न्यू कार लेने, चले चले न्यू कार लेने, फिर उसके अंदर हम घूमी घूमी करेंगे, है ना, मजा आएगा ना कितना, गुड बॉय, फिर हम वहाँ पे चिकन खाएंगे, है ना, चिकन खाएंगे, चिकन देखो कैसे गर्दन घुमा रहा है। केंजो का नया स्वेटर गाइस, ये देखो केंजो का OTD न्यू स्वेटर, टेडी वेयर बने हुए उसके ऊपर छोटे छोटे, वेरी नाइस केंजो, गुड बॉय। भाई साहब जल्दी चलो ना भाई, तुम लोगों ने आधा मेरा मेकअप घुमा दिया कल भाई, वो लाइट खराब हो गई ऊपर की यार, इस घर में ना लाइट की दिक्कत है बहुत बड़ी, ये ऊपर देखो ये 3 लगे हुए हैं, पुराने वाले अपार्टमेंट में थे ऐसे, वो अंदर वाली LEDs होती है, ब्राइट ब्राइट दिखता है, इस घर में सनलाइट भी नहीं आती, पीछे करूंगा फिर भी इतनी सनलाइट ही नहीं आएगी, आ रही है पर इतनी नहीं आ रही जैसे घर में होनी चाहिए, तो बड़ा घर ना डल सा है। नूनू क्या कर रहा था मेकअप लगा के, तो घर ना थोड़ा सा इसकी डल लाइटिंग है, देखो ये वाली है थोड़ी तेज, अरे मैंने थोड़ी लगाई लिपस्टिक, ये वाली भी, वो वाली भी वीक है, तो ऐसा है कि उस टाइम पे हम लोगों को इतने घर के ऑप्शंस मिल ही नहीं रहे थे, तो यही लेने पड़े। कितने ज्यादा वो है दुखद की बात कि हम, मतलब ऐसा था कि जो अच्छा मिला ना वो इसके पैसे देने के बाद मिला, तो हम रिफंड ले नहीं सकते थे।
आजा। हेलो वन इज रेडी। हाँ रेडी। तो इसको पूरा तो पहन ढंग से। हाँ चलो भाई साहब आ गए लंदन। ओरो ओरो कौन है कौन है भाई? रेडी तो मैं भी हो गया, बस नोनू बॉय की वेट हो रही। केंजो भी रेडी है, वानी भी रेडी है, नोनू बॉय रेडी होइंग। तो हो गए भाई रेडी फुल। बाहर बहुत ठंडा है ऑनेस्टली। केंजो ने भी स्वेटर पहन लिया। केंजो तो गुड बॉय है, घूमी घूमी जा रहे हैं हम तो अभी भाई। हाँ क्या कह रहा था, एक दिक्कत हो गई, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा है ना। पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा मेरे को और वानी को, क्योंकि इसको दिक्कत तो नहीं हुई, वो डॉक्यूमेंटेशन साइन करवानी है। जैसे नर्सिंग में क्या होता है, या काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज में होता है, मेरे को नहीं पता, वो नर्सिंग में होता ही होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन साइन करवानी होती है कई बार ना, किसी डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से या पुलिस से, लॉयर से, किसी से भी करवा सकते हो। ऑप्शंस होते हैं कई कई, जो गवर्नमेंट अकाउंटेंट भी कर देते हैं कई कई, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो सेंस माने इज इन लास्ट ईयर, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले भी हमने कराए हैं। तो क्या करना है कि फोटोकॉपी करवानी है डॉक्यूमेंट्स की और उनको सर्टिफाई करवाना है। तो पुलिस बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि मैंने सुना है अगर आप लोग फार्मेसी पर जाते हो किसी भी केमिस्ट वगैरह उस प्राइस लाइन, तो वहाँ पर मतलब ही हेल्प हो जाएगी आप लोगों के लिए आगे के लिए भी। वहाँ पर $25 चार्ज करते हैं पर डॉक्यूमेंट। 25 करते हैं 15 मुझे 20 करते 20। हैं और मेरे तो 100 डॉक्यूमेंट होते हैं। हाँ तो 100 हाँ मतलब पूरे 2 साल में तो इसने वानी ने मतलब 5-6 साइन तो आज चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप किसी फार्मेसी से कराओगे तो वो $25 के हिसाब से 7 बार ऐसे टाइम्स कर लेना, तो उतनी मैथ्स वाले पैसे मतलब उतनी मैथ्स लगेगी तो उतने पैसे हो जाएंगे। और पुलिस वाले भाई फ्री में कर देते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, फोटोकॉपी अपनी पुलिस स्टेशन ले जाओ, उनको बोलो कि इज इट अ गुड टाइम फॉर यू टू सर्टिफाई दीज डॉक्यूमेंट्स, पहले हाउ आर यू कैसे वो सब बोल के, तो फिर वो बोलेंगे श्योर। मतलब बहुत अच्छे होते हैं भाई पुलिस वाले यहाँ पे, तो वो साइन कर देते हैं। चलते हैं अभी पुलिस स्टेशन। और ऐसा लग रहा है भाई कोई OTD देख सकते हो आप लोग, अभी बाहर भी दिखाऊंगा जाके। जो बस वेट कर रहा है कब दरवाजा खुले और हम बाहर भागे। देखो मेरे फेरे काट रहा है ये, देखो। चलो केंजो बाय बाय। चलो भाई फाइनली इट्स टाइम टू गो। हेलो गाइस, बाल देखे इसके, बाल किसके सही तो लग रहे हैं। डायसन आशिक हूँ मैं, पागल भी हूँ, तेरे नाम है ना। एक्साइटमेंट हो रही है गाइस। हाँ इधर आके बोल ना, नहीं नहीं हो रही है। हाँ दोनों के पास तो लाइसेंस ही नहीं है। नहीं तो मैं इसी पे ही तो सीखूंगी। हाँ तो वानी को सिखा देंगे न्यू कार पे भी। और अभी चलते हैं गाड़ी ये वाली वापस करने की। हो रही है सैडनेस? हाँ हो रही है, मेरे को बहुत ज्यादा हो रही है, मन नहीं कर रहा है ना। I-30 बहुत ज्यादा करीब है भाई दिल के। कोई बात नहीं भाई, ये चली जाएगी गाड़ी, हम भी चलते हैं। वो देख अंदर बैठा चोर, चोर अंदर बैठा है वो देख, चोर केंजो। पूरी गाड़ी भाई साफ कर दी, साफ लग रही है ना मानी। हमारी तो लगी नहीं रही, हमारी गाड़ी जब बेचनी है तभी साफ करी है। तो भाई चलते हैं, पहले जाएंगे हम लोग पुलिस स्टेशन, नहीं पहले ऑफिस वर्क्स डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने हैं। रहने दे तू पहले वहाँ चल, ये मैं रात को करवा लूंगी ऑफिस वर्क से पहले। हेलो, ऑफिस वर्क्स बंद हो जाएगा रात को, कल मेरी शिफ्ट भी है भाई, अभी करेंगे तो 3:30 तो यही हो गया, तो कल करवा लियो ना कल सुबह। चल ठीक, तो गाइस चलो सुबह चलो। घर में रखती ना मैं क्या डॉग्स यार, अभी देखती 3:30 है अभी, 4 बजे तक हम लोग अगर करा लेंगे ये। हाँ फिर 5 बजे वहाँ पहुँच। हाँ ट्रैफिक होएगा नहीं। चलो फिर गाड़ी लेने चलते हैं डायरेक्ट। मेरे डॉक्यूमेंट्स एक काम कर, आगे गाड़ी ले, उन्होंने अंदर रखाएगा खोल के पढ़े रहने दे रखो दो घर में, घूम वूम ना जाए यार, ये मेरी सारा प्रूफ है नर्सिंग का। चलो पूरा नर्सिंग का प्रूफ घर में रखना पड़ेगा, गाड़ी में नहीं ले जा सकते, चलते हैं भाई। मतलब प्रूफ है कि मैंने प्लेसमेंट करी है, रख दिया भाई डॉक्यूमेंट्स घर में, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं नर्सिंग। इसने जितनी भी करी है वो सारी साइंस, यूनि का साइन, फिर जहाँ पे करी उधर नर्स का साइन, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए घर पे ही रख दिए। चलो भाई फ्यू लास्ट रेव्स। केंद्र पीछे बैठा दोनों के पास कैसे भाई, ट्रैफिक हो रहा है बहुत ज्यादा, स्कूल आवर्स है ना। हाँ आप लोगों को ये बताते हैं कि गाड़ी कितने की बिक्री है। ये गाड़ी जा रही है भाई $34,000 की, मैंने ली थी भाई 50 की, ऊपर ही पड़ी थी मतलब 48,500 की थी, 50,500 कुछ की पड़ी थी जब ली थी, ठीक है। क्योंकि रजिस्टर करवानी होती है किसी, अगर आप प्राइवेट से खरीदते हो तो फिर सरकार को जाके बोलना होता है कि मैंने गाड़ी ली है, इस गाड़ी की वैल्यू का 1% ऐसे मतलब
एक नहीं कुछ होता है, मतलब कि $2,500-2,500 में रजिस्ट्रेशन के लगे थे इस गाड़ी के। तो फिर डीलर से ले रहे हो तो फिर डीलर ही रजिस्टर करके देते हैं, तो वो सही रहता है। अरे घुसेगा क्या, जगह तो दे दे। 50,000 की कुछ ली थी, 2 साल में इसकी वैल्यू कितनी गिर गई, 16,000-15,000 अगर ये लाख चल जाएगी ना मेरे पास रहेगी एक साल और, तो इसकी वैल्यू सीधा 25 हो जाएगी 34 से। दादा ही मतलब कि जैसे अभी 65 तो चली चुकी है और हमारा मतलब हम जाते ही रहते हैं, गाड़ी तो चलती ही गाड़ी चलती है, या फिर उबर भी करता हूँ मैं कभी कभी वीकेंड में, तो इसलिए अभी इतना टाइम पे तो शायद उबर भी नहीं कर पा रहा क्योंकि ये 65 चल गई है, तो उबर से जितने कमाएगा नहीं उतने इसकी वैल्यू गिरेगी। और एवरेज भी नहीं है गाड़ी की, तो बहुत ज्यादा कम एवरेज है इसकी ऑनेस्टली। तो बेनिफिट तो यही है हम लोगों को कि हम ये बेच के थोड़े और पैसे डाल के नई गाड़ी ले लें, जो कि हम कर रहे हैं। हमारा पिकअप है गाड़ी का 4 बजे क्योंकि अगर इसको अभी नहीं बेचेंगे तो भाई अगर किसी ने 50 डाले हैं 35 भी वापस आ रहे हैं ना आज के डेट में, तो अच्छी बात है। अगर हम इसको रोक जाएंगे अभी और एक साल बेचनी तो है ही बाद में भी, चाहे 1-1.5 साल क्योंकि अभी सर्विस आएगी फिर टायर बदलो मतलब खर्चे तो है ही, तो इससे बढ़िया कि इतने में तो आप नई ही ले लो और इसको सही टाइम पे निकाल दो। सही टाइम पे इसलिए बोलते हैं ना कि कट जाओ सही टाइम पे निकल जाना चाहिए, नहीं तो गीले, नहीं तो गीले गीला होने लगता है, गीले शिकवे होने लगते हैं। तो इसलिए वो है कि अब यार अटैचमेंट तो है ही, वो तो 1 साल बाद भी रहेगी, पूरे 2 साल बाद जा रही है। और देख लो हमने 2 साल में ही 60,000 चला ली, तो अगर 1 साल तुम लगा लो तो ये अभी ज्यादा ही चल जाएगी, लाख तक तो हम चला ही देंगे इसको आराम से। तो फिर वैल्यू यार लाख के बाद तुम्हें भी पता है यहाँ पे गाड़ियों की फिर वैल्यू इतनी नहीं बचती, लाख के बाद सीधा गिर जाती है, डजंट मैटर क्या मॉडल है क्या कुछ है भाई। चलती तो गाड़ियाँ यहाँ पर है 4-4 लाख 5-5 लाख, मैंने मिलियन चली हुई गाड़ी भी देखी है 10 लाख किलोमीटर, ठीक है तो चलती तो है गाड़ियाँ यहाँ पे, बट वो ये वैल्यू गिर जाती है, अपनी जेब को नुकसान ही होता है कि फिर वो नुकसान। तो जो हम नई गाड़ी लेंगे उसमें थोड़े से पैसे और डाल के, नई आ रही है और अपनी जेब में ज्यादा, हमने डेप्रिसिएशन देखो होल्ड कर ली, ठीक है डेप्रिसिएशन हमने होल्ड कर ली गाड़ी की, तो उस लॉजिक से पता नहीं सेंस बनता है कि नहीं, बट ये है कि मैं उसको भी जब बेचूंगा उस गाड़ी को भी जब मैं बेचूंगा तो वो मेरे को ज्यादा डेप्रिसिएट करके नहीं जाएगी। खैर पता लग जाए आपको कौन सी गाड़ी है, बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। और ये मैनुअल है और दूसरी बात ये कि ऑजीज को मैनुअल चलानी नहीं आती इतनी, बहुत कम लोग हैं जिन्हें आती है, तो ऑब्वियसली फिर वो बेचने पे तो मार्केट साइज ही छोटा हो गया ना कि सिर्फ मैनुअल ड्राइवर्स ही ले सकते हैं। और मैं 10 डाल के और उठा लूं मर्सिडीज टाइप, तो वही क्योंकि मर्सिडीज भी 45-50 की आ जाती है ना 2017-18 तो चली हुई, तो वही है इसलिए फिर वही है कि इतना झंझट नहीं करना, चल समझ गए लोग पका मत होते समझ गए ना। तो भाई फाइनल रेव्स गाड़ी के करते हैं हम लोग गुड बाय करने से पहले, मेरे को उदासी हो रही है भाई ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा, बट ठीक है भाई इट इज़ फॉर इट इज़। वही डीलरशिप से हम करीबन 5-2 मिनट दूर ही हैं और यहाँ लगा दी मैंने, मैंने कहा थोड़े से स्लोमोज वगैरह ले लेते हैं। फाइनली भाई हम लोग आ चुके हैं डीलरशिप पे, ठीक है फोर्ड और ह्यूंडई, ठीक है आ गए हम लोग डीलरशिप पे, ये पीछे खड़ी है गाड़ी। अब एक्साइटमेंट हो रही है नई गाड़ी की, हाँ पर धूप आ रही है मेरी आँखें बंद हो रही है दोनों, बस केंद्र भी आ गया। तो भाई हम लोग इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, आई एम रियली सॉरी एंड करना पड़ेगा क्योंकि नई कार के नया व्लॉग बनेगा ना, मजा आएगा ना उसमें लगी, एक दिन आप लोगों को और वेट करनी है पक्का, फीचर्स देखना भी, फीचर्स देखना गाड़ी के और पक्का वही मैक ही इलेक्ट्रिक मस्टैंग मतलब फोर्ड वाली। तो हाँ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, सेइंग बाय बाय टू द कार, मुंह पे सारे शैडो आ रही होगी क्योंकि बहुत तेज धूप है। सो थैंक यू सो मच, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारे सब्सक्राइब कर देना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, मेलबर्न बॉय फ्रॉम इंडिया, गर्ल फ्रॉम इंडिया, बॉय फ्रॉम इंडिया, केंद्र फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बाय बाय I30, लव यू। एक बार मेरी साइड सा वो एक बार पकड़िए यहाँ से, मैं थोड़ा पकड़ रहा हूँ गाड़ी को ऐसे आग कर रहा हूँ। ये मेरा सिग्नेचर होता है, जब पोलो बेची थी तो भी ऐसे किया था मैंने। The future is bright.